नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के मन में हमेशा यह डाउट बना रहता है कि भाई मुझे ये बताओ कि हमारा जो वॉच टाइम है YT स्टूडियो में लास्ट 365 डेज का अलग दिखाता है, और जब हम मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में देखते हैं तो वहाँ पर वॉच टाइम कुछ अलग दिखाता है। मतलब कि हम YT स्टूडियो में देखते हैं वहाँ पर जो वॉच टाइम है वो बहुत अच्छा दिखाता है और इंक्रीज दिखाता है, लेकिन दोस्तों वही वॉच टाइम सेम वॉच टाइम जो है मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में नहीं दिखाता है। और जब YT स्टूडियो के अर्न वाले ऑप्शन में देखते हैं, मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन में देखते हैं, तो वहाँ पर भी वॉच टाइम कुछ अलग दिखाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारा वॉच टाइम घट रहा है या हमारा जो वॉच टाइम है अपडेट नहीं हो रहा है? कैसे अपडेट होगा ये भी हम आपको बताएंगे कि आपका यदि वॉच टाइम फिक्स हो गया है तो आप उसे कैसे अपडेट कर सकते हैं। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी डाउट है सभी डाउट आज आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम हो रही है, उनका वॉच टाइम फिक्स हो गया है और वॉच टाइम उनका मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में अपडेट नहीं हो पा रहा है YT स्टूडियो से। और दोस्तों YT स्टूडियो में भी हम जब देखते हैं अर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, वहां पर भी वॉच टाइम अलग दिखाता है। मतलब कि मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन का वॉच टाइम और अर्न वाले सेक्शन का वॉच टाइम दोनों सेम होते हैं, लेकिन YT स्टूडियो में जब हम देखते हैं लास्ट 365 डेज का वॉच टाइम तो दोस्तों कुछ अलग दिखाता है। वहां पर बहुत ज्यादा होता है और यहां पर कम दिखाता है, ऐसा क्यों? दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दो, क्योंकि दोस्तों अपने इस चैनल पर टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो डेली देखने को मिलती है। दोस्तों पहले हम आपको यह बता देते हैं कि कौन कौन सी वीडियो का जो है वॉच टाइम काउंट नहीं होता है मोनेटाइजेशन के लिए, फिर हम आपको यह बताते हैं कि आपका जो वॉच टाइम है अपडेट क्यों नहीं हो पा रहा है। हम आपको बताएंगे कि आपको जो वॉच टाइम है कैसे अपडेट होगा और दोनों जगह आपका जो वॉच टाइम सेम कैसे दिखाई देगा, फिक्स जो हो गया है और अपडेट कैसे होगा। दोस्तों कौन कौन सी वीडियो का जो है वॉच टाइम काउंट नहीं होता है मोनेटाइजेशन के लिए हम आपको बता देते हैं। यदि दोस्तों आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई थी और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपने क्या किया कि YouTube से वीडियो को डिलीट कर दिया है। मतलब कि कुछ वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही थी तो आपने कुछ वीडियो को YouTube से डिलीट कर दिया है। मतलब कि दोस्तों डिलीट वीडियो का वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होगा और वो आपका जो वॉच टाइम है मोनेटाइजेशन सेक्शन वाले में नहीं दिखाई देगा। डिलीट वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, नंबर वन। और दोस्तों प्राइवेट वीडियो का वॉच टाइम भी काउंट नहीं होगा। दोस्तों पहले आपने क्या किया कि कुछ वीडियो को पब्लिश कर दिया, पहले आपकी कुछ वीडियो YouTube पर पब्लिश थी, फिर दोस्तों आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आया या आपको कुछ दिक्कत हो रही हो तो आपने क्या किया कि उन वीडियो को प्राइवेट कर दिया। दोस्तों प्राइवेट वीडियो का भी वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होगा। और दोस्तों अनलिस्टेड, मतलब कि जो वीडियो आपने अनलिस्टेड की हुई होंगी उनका भी वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होगा। और दोस्तों कौन सी वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा? शॉर्ट वीडियो का। दोस्तों आपकी जो शॉर्ट वीडियो स्वाइप अप करके देखी जाती है उनका भी वॉच टाइम काउंट नहीं होगा मोनेटाइजेशन के लिए, या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम करते थे और आपने उस लाइव को डिलीट कर दिया या प्राइवेट कर दिया या अनलिस्टेड कर दिया, इस कंडीशन में भी जो आपका वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होता है। दोस्तों ये कंडीशन होती है, इन कंडीशंस में जो है हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में वॉच टाइम अलग दिखता है और YT स्टूडियो में अलग दिखता है। आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होता है मोनेटाइजेशन के लिए। दोस्तों अब कैसे होगा, जो हमारा वॉच टाइम फिक्स दिख रहा है अपडेट कैसे होगा? दोस्तों पहले आपको क्या करना है, 4 से 5 दिन तक वेट कर लेना है। 4 से 5 दिन तक वेट करने के बाद यदि आपका जो वॉच टाइम है सेम नहीं दिखता है और मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में अपडेट नहीं होता है, मतलब कि जब आप लास्ट 365 डेज का जो वॉच टाइम है YT स्टूडियो में चेक करते हो, फिर लास्ट 365 डेज का जो वॉच टाइम है मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में दिखता है, यदि दोनों वॉच टाइम आपके सेम नहीं दिखते हैं और फिक्स हो गया है अपडेट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा। अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और समझ लेते हैं कि हम अपने वॉच टाइम जो फिक्स हो गया है दोनों जगह पर सेम कैसे दिखाई देगा। दोस्तों हमें इसके लिए YouTube को कुछ मेल करना होगा। YouTube को मेल करने के बाद लगभग 3 से 4 दिन के अंदर जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और समझ लेते हैं कि हम YouTube को मैसेज कैसे करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, और जो वॉच टाइम YT स्टूडियो में दिख रहा है वही वॉच टाइम मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में कैसे दिखेगा। दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन। दोस्तों हम लोग आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल
स्क्रीन पर आने के बाद आपको यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको अपने चैनल के लोगों पर क्लिक कर देना है। चैनल के लोगों पर क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग के नीचे हेल्प एंड फीडबैक, आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हेल्प एंड फीडबैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ से दोस्तों आपको सेंड फीडबैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों सेंड फीडबैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ से आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद आपको लिख देना है डियर यूट्यूब टीम, फिर दोस्तों नीचे आपको आ जाना है, लिख देना है माई पब्लिक वाच हावर, माई पब्लिक वाच आवर नॉट अपडेट, माई पब्लिक वाच आवर नॉट अपडेट इन मोनेटाइजेशन टैब, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दोस्तों ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप चाहे तो अटैच स्क्रीनशॉट पर क्लिक करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हो मे बी ईमेल यू फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। यस पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे आपको देख सकते हो सेंड फीडबैक टू गूगल, दोस्तों यहाँ पर जो है सेंड फीडबैक हो गया है। अब आपका जो है वॉच टाइम कुछ ही समय में जो है अपडेट हो जाएगा।